आज हम बात करने वाले हैं ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा। ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा जिंदगी से भरपूर सिनेमा है। उनकी सारी फिल्में आप कह सकते हैं कॉमेडी नहीं है, सभी फिल्में कॉमेडी नहीं है, बहुत सारी फिल्में सीरियस भी हैं, लेकिन जिंदगी से भरपूर सिनेमा है ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा। रोहित कृष्ण नंदन हमारे संपादक, स्वागत है आपका। टी ग्रुप स्वागत है। संतोष पुरस्वानी संत जी स्वागत है आपका। टी ग्रुप गुड इवनिंग। मैं आपको बता रही थी ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा के बारे में। ऋषिकेश मुखर्जी ने शुरुआत की थी एक एडिटर के रूप में, और उन्होंने उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था विमल रॉय। विमल रॉय बहुत ही देवदास, जो पुरानी देवदास हैं, उसके डायरेक्टर थे विमल रॉय, अगर आप नहीं जानते हैं तो विमल रॉय को ऋषिकेश मुखर्जी ने असिस्ट किया था, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, और फिर उन्होंने अपनी स्वतंत्र फिल्में बनाना शुरू की। ऋषिकेश मुखर्जी ने हमें जो सिनेमा दिया है वो पैरेलल सिनेमा, और जिसे हम कहते हैं कमर्शियल सिनेमा, उस कमर्शियल सिनेमा और पैरेलल सिनेमा, जो आर्ट सिनेमा जिसे हम कहते हैं, उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है उनका सिनेमा। उनकी जो फिल्में थी वो बहुत साधारण, आप उसमें कहीं बड़े बड़े सेट्स नज़र नहीं आएंगे, उनके किरदार आपको लगेंगे कि हम में से ही कोई है, हम में से ही कोई वो सारे किरदार हैं, हमारी ही कोई कहानी वो किरदार कह रहे हैं। तो बहुत ही आम लोगों से जुड़ा हुआ सिनेमा, जिंदगी की बातें करता हुआ सिनेमा, और साथ ही उनकी फिल्में हिट हुई। आनंद सुपर हिट थी, चुपके चुपके सुपर हिट थी। तो एक जो उन्होंने बैलेंस बिठाया कमर्शियल सिनेमा और जिसे हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं, उसमें वो अद्भुत था वो बैलेंस। आनंद, चुपके चुपके, अनुपमा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र को सत्यकाम से, अमिताभ बच्चन को आनंद से, और जया भादुड़ी को गुड्डी से लॉन्च करने वाले ऋषिदा के नाम से मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। आज उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे लगता है उनकी हर फिल्म पे एक प्रोग्राम हो सकता है, एक पूरा कार्यक्रम हो सकता है, आनंद, अनुपमा, सत्यकाम। आज मैं बात करने वाली हूँ चुपके चुपके। चुपके चुपके नाम से ऐसा लगता है कि कुछ शायद थ्रिलर होगी या शायद कोई रहस्य होगा। रहस्य ज़रूर है, लेकिन ये एक कॉमेडी फिल्म है, ये एक मजाक या जिसे हम इंग्लिश में प्रैंक कहते हैं, उस पर आधारित ये फिल्म है। फिल्म की कहानी उपेंद्रनाथ गांगुली की लिखी हुई एक कहानी पर आधारित है, और इसी कहानी पर पहले बंगलौर में एक फिल्म बनी थी, उसे देखकर ऋषिदा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसका हिंदी रीमेक बनाऊँगा। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने उपेंद्रनाथ गांगुली की कहानी, जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी कहा है कि अच्छा साहित्य और सिनेमा का संगम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी कि ये एक बंगाली लेखक की कहानी पर आधारित फिल्म है। तो फिर एक अच्छी कहानी जिस पर बंगलौर में फिल्म बनी, बंगला में फिल्म बनने के बाद हिंदी में फिल्म बनी, और इतनी अच्छा सिनेमा बना कि आज भी जब आप कभी भी अगर आप देखना चाहें तो आप कभी भी बैठकर चुपके चुपके ज़रूर देख सकते हैं। हंसती गुदगुदाती फिल्म, कोई ऐसा कोई संदेश नहीं छुपा हुआ है। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आप सीख सकते हैं, लेकिन कोई संदेश नहीं छुपा हुआ है कहानी में। आप और हमारे जैसे किरदार, साधारण किरदार, और बहुत ही रोचक मनोरंजक फिल्म। इस फिल्म से जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र इस फिल्म के पहले तक रोमांटिक हीरो के रूप में मशहूर थे, उन्होंने बहुत सारी रोमांटिक फिल्म की थी, लेकिन अगर आप इस फिल्म में धर्मेंद्र का, आपको प्यार हो जाएगा धर्मेंद्र के किरदार से, प्यारे मोहन और परिमल त्रिपाठी। आप किरदार, आप ऐसी कितनी फिल्में हैं जिनमें आपको किरदारों के नाम याद रहते हैं। आप चुपके चुपके एक बार देखिए, और मैं दावे के साथ कहती हूँ आप किसी भी किरदार का नाम नहीं भूलेंगे, ना आप परिमल त्रिपाठी को भूलेंगे, ना आप सुकुमार सिन्हा को भूलेंगे, ना आप सुलेखा को भूलेंगे, और ना आप वसुधा को भूलेंगे। कहानी से हम सभी वाकिफ हैं। सुलेखा जो शर्मिला टैगोर ने निभाया है, और परिमल त्रिपाठी जो कि धर्मेंद्र द्वारा निभाया गया किरदार है, ये दोनों कहीं मिलते हैं इन और शादी का फैसला करते हैं। कुछ कारणवश सुलेखा के जीजाजी शादी में नहीं आ पाते और वो उसे धर्मेंद्र को देख नहीं पाते। सुलेखा अपने जीजाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, वो कहती है मेरे जीजाजी जीनियस हैं, और धर्मेंद्र इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं कि अगर तुम्हारे जीजाजी जीनियस हैं तो मैं एक बार मुझे एक मौका दो, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। जीजाजी को एक वाहन चालक की ज़रूरत है, जी हाँ, हिंदी, क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। आप अपनी हिंदी
बहुत सुधार सकते हैं ये फिल्म देखने के बाद। वाहन चालक अर्थात ड्राइवर की ज़रूरत है सुलेखा के जीजाजी को, और वो वाहन चालक के रूप में परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन बनके अपनी ही पत्नी के जीजाजी के घर पे पहुँचते हैं। वहीं थोड़े दिनों बाद सुलेखा पहुँचती है। अब वो वाहन चालक प्यारे मोहन और सुलेखा पति पत्नी है, लेकिन अपनी मजबूरियों के चलते वो नहीं मिल पा रहे हैं, और किस तरह प्यारे मोहन या परिमल त्रिपाठी जीजाजी को ये बताते हैं कि हमने आपके साथ ये मजाक किया था, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इस सब से जो ताना बाना बुनकर आता है, अब उन्हें जीजाजी को परिमल त्रिपाठी से भी मिलाना ज़रूरी है। तो धर्मेंद्र अपने एक दोस्त जो कि अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया है, उनका नाम है सुकुमार, जो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, उनको परिमल त्रिपाठी बनाकर उस घर में पहुँचा देते हैं। तो बहुत सारी गलत फहमियों के बीच अब क्योंकि जीजाजी को लगता है कि सुलेखा और प्यारे मोहन के बीच में कुछ है, जबकि वो असलियत में पति पत्नी है, लेकिन उन्हें ये कन्फ्यूजन होता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, और वो पकड़ नहीं पाते। कुछ दृश्य देखते हैं फिल्म के। पहला ये कि क्यों करते हैं ड्राइवर बन के, पहले एक्ट में मैं जाता हूँ, दूसरे एक्ट में यानी कि 5-7 दिन के बाद तुम आ जाओ। एक सेकंड में पकड़े जाएंगे आप। अरे जाइए जाइए, आप पकड़ सके थे चौकीदार को। मेरी बात और है, लेकिन जीजाजी वो तो सांस सूख लेते हैं आदमी की, और फिर वो तो आपके फोटो भी देख चुके हैं। अरे इसके बावजूद भी नहीं पकड़ सकेंगे। रही सर, भैया पिछले 20 दिनों की शादी में 20,000 बार इनके जीनियस जीजाजी के गुण सुन चुके हैं। लगता है भगवान कृष्ण का अवतार और उनकी छाप इनके मन में बहुत गहरी लगी है। कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपनी पत्नी की नजर में स्थान बना सकूं। मैं ये बात साबित कर देना चाहता हूँ कि मैं इनके जीजा जी से किसी बात में कम नहीं। पकड़े जाओगे बच्चों, पकड़े जाओगे, रास्ता स्थान भी चला जाएगा और भी फिसल जाओगे पत्नी की नजरों में। उनके सामने सुलेखा के सामने साबित करना है, और वो प्यारे मोहन बनकर चले जाते हैं। प्यारे मोहन शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि जीजाजी सुलेखा के जीजाजी ही कहेंगे हम उन्हें। सुलेखा के जीजाजी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करना पसंद करते थे, उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो प्यारे मोहन उस किरदार में इस कदर ढल जाते हैं, वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलने लगते हैं कि खुद जीजाजी भी उनसे परेशान हो जाते हैं, और किस तरह की कॉमेडी होती है। एक और दृश्य देखिए जिसमें वो अंग्रेजी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी के बारे में जीजाजी को बता रहे हैं कि एन ओ नो, ये एन ओ डब्ल्यू भी नो, ताया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल, ये उचित तो नहीं। ऐसा है, आगे देखिए, तू के लिए भी यू, तुम के लिए भी यू, आपके लिए भी यू, छोटे बड़े में कोई अंतर ही नहीं। अंग्रेजी में ऐसा क्यों होता है? प्यारे मोहन जी सर, मैं दफ्तर से अभी अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ और सर में दर्द भी हो रहा है, मैं जरा विश्राम कर लूँ। हाँ साहब, अवश्य विश्राम। एक तुच्छ प्रश्न है, ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से मतलब पा से शुरू होता है, ऐसे ही हाइसिस भी पी से आरंभ होता है, तो फिर इसे पनीमोनिया और हाइसिस क्यों नहीं कहते? आप विश्राम कीजिए सर, पा से क्या कर दीजिए। तो अपना ही हिंदी प्रेम जीनियस जीजाजी को थोड़ा भारी पड़ने लगता है। जिस कदर शुद्ध हिंदी, जिस कदर इस किरदार में ढले हैं धर्मेंद्र, वो कमाल है। अब जो कॉमेडी उन्होंने की है, जो किरदार उन्होंने निभाया है, उनकी रोमांटिक फिल्मों से एक अलग हटकर ये फिल्म थी, और इससे उन्हें एक कॉमेडी का आगे भी रोल मिलने लगे इस फिल्म के इस किरदार से। तो कहानी आगे बढ़ती। एक और इस फिल्म के बारे में खास बात है कि धर्मेंद्र और अमिताभ, ये 1975 की फिल्म है, 1975 में ऐसा कहते हैं बॉक्स ऑफिस पे सोना बरसा था। 1975 हिंदी फिल्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। शोले, दीवार, जय संतोषी माँ उसी साल रिलीज हुई थी, चुपके चुपके, ऐसी बहुत सी फिल्में जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई थी वो उस साल में रिलीज हुई। इसी फिल्म के कुछ दिनों बाद शोले आई, फिर हमने उसमें धर्मेंद्र अमिताभ देखा। तो ये दोनों महानायक थे उस समय के, और मुझे क्या बहुत लोगों को ये लगता है कि जो महानायक का जो तमगा या जो चीज़ धर्मेंद्र का हक थी या धर्मेंद्र को मिलनी चाहिए थी, वो अमिताभ की एंट्री से या अमिताभ के आने से वो उनसे छिन गई। क्योंकि आप रोमांटिक फिल्में देखिए धर्मेंद्र की, ये कॉमेडी फिल्म देखिए, और एक्शन हीरो के रूप में तो वो प्रसिद्ध थे ही। तो अमिताभ बच्चन में अपनी काबिलियत है, उन्होंने जो किरदार निभाया, जो एक तरह से एक सितारा के रूप में वो उभरे, लेकिन उससे पहले तक अगर आप धर्मेंद्र की फिल्में, सीरियस फिल्में, रोमांटिक फिल्में, एक्शन फिल्में, धर्मेंद्र अपने समय के सुपरस्टार थे।
लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरा अपना मानना है कि अमिताभ बच्चन के आने के बाद धर्मेंद्र को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पाई। तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को भी आनंद में आपने किरदार देखा, ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें वो किरदार दिया था, एक अलग तरह का किरदार आपको इसमें अमिताभ बच्चन का देखने का मिलेगा। इस फिल्म में वो सुकुमार बने हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में सारे आपने अगर मिली देखी हो, आप मिली अमिताभ बच्चन का एक अलग रूप आपको देखना है, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की मिली अवश्य देखनी चाहिए। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी उसमें अभिनीत है फिल्म, ऋषिकेश मुखर्जी की एक और बेहतरीन फिल्म मिली, उसमें भी अमिताभ एक अलग ही किरदार में नजर आए हैं। इस फिल्म में वो बने हैं परिमल त्रिपाठी के दोस्त सुकुमार, जिसे कि परिमल अपने इस नाटक के भाग में लेकर और परिमल त्रिपाठी बनाकर जीजा जी के घर भेज देते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो जीजा जी के घर नहीं रहते, वो एक दोस्त के घर रहते हैं, जहाँ उन दोस्त की साली वसुधा का किरदार जो कि जया भादुड़ी ने निभाया है, उससे सुकुमार को प्यार हो जाता है। अब सुकुमार जो है वसुधा की नज़र में परिमल त्रिपाठी एक शादीशुदा व्यक्ति है, जबकि वो अपने दिल की बात वसुधा यानी कि जया भादुड़ी से कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे। फिल्म में बहुत ही इन गलत फहमियों के चलते बहुत ही रोचक और बड़ी स्थितियां बनती है, आप अपनी हंसी रोक नहीं सकते फिल्म को देखते हुए, और पूरे बहुत आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक से हो रहा है या कुछ फिल्म है, आपको देख के लगेगा कि कहानी ही ऐसी इस तरह से चल रही है कि ये सब कुछ घटित हो सकता है, ये सब कुछ संभव है। मेरे पापा कैलाश पंडित जी स्वागत है आपका, विजय कुमार परिहार जी अभिनंदन है आपका, स्वागत है। यतेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मेरी फेवरेट मूवी, जी बिल्कुल स्वागत है, मेरी भी ऋषिकेश मुखर्जी की मूवीज में मेरी ये फेवरेट मूवी है, आपका भी धन्यवाद। मेरी मम्मी चंद्रकांता पंडित स्वागत है आपका, राजकुमार आर यादव जी आपका स्वागत है, दीपा सदानंद गेरा जी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैं बात कर रही थी अमिताभ बच्चन का किरदार जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में नजर आता है, वो अपनी फिल्मों जो वो जो एंग्री यंग मैन का किरदार है उससे बिल्कुल अलग रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन हमें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में। इस फिल्म में भी सुकुमार का किरदार अब वो परिमल त्रिपाठी के रूप में है, वो वसुधा से प्यार करते हैं और उसे अपनी दिल की बात बता नहीं सकते और वो पहुंच जाते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं ये और नाटक नहीं कर सकता। एक दृश्य में पहुंचकर वो धर्मेंद्र को कहते हैं कि मुझे अब ये नाटक और नहीं करना, मुझे माफ कर दो। देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल अलग किरदार है अमिताभ बच्चन का। लेकिन वहां जब जाता हूँ तो सुकुमार नहीं हूँ, परिमल हूँ ना, और परिमल शादी शुदा है वसुधा के लिए, हूँ ना, होना नहीं आए ना, हाँ है ना, हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूँ तो वो समझते हैं कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है, कंबख्त क्या, परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है, इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती, मुझे नफरत करने लगी। पर ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा। तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है, नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात, नहीं मैं अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और कोई करोगे जो डायरेक्टर कहेगा, जो परिमल एक्टर क्या है, डायरेक्टर के हाथ से कट पुतले, एक्टिंग मैं नहीं जानता, एक्टिंग आप लोग करो, मैं तो उसे सब कुछ जाके बता दूंगा। बच्चन ऋषि के अब जैसे मैंने आपको बताया उनकी फिल्मों में, और ये नाटक इनका चलता रहता है, आखिर धर्मेंद्र जीत जाते हैं और आखिर तक नहीं पकड़ पाते, फिल्म के आखिरी सीन में जाके जीजा जी के सामने ये राज खुलता है कि प्यारे मोहन ही परिमल त्रिपाठी है, और जो परिमल त्रिपाठी बन के घूम रहे हैं वो असल में सुकुमार है, और कहानी का एक अच्छा अंत होता है। बहुत ही गुदगुदाने वाली फिल्म, फिल्म के बारे में फिल्म में जैसे भाषा का निर्देशक ने बड़ी ही चालाकी से या ये कहे कि बड़ी अपनी सावधानी का ध्यान रखते हुए एक सीन में ये बता दिया है कि वो किसी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। जैसे मैंने इसमें कहा कि अंग्रेजी को लेके कुछ बातें गई हैं, ये हिंदी बड़ी शुद्ध हिंदी बोली गई है, एक तरह से हिंदी का मजाक बनाया गया है, लेकिन निर्देशक ने एक दृश्य में ये चीज़ निश्चित ये चीज़ बता दी है कि हम किसी भाषा का मजाक नहीं उड़ाना चाहते,
हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन है, हम एक कहानी, हम इन किरदारों के माध्यम से एक कहानी है जो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य किसी भाषा को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, आपने तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कुमार को समझा भी दूंगा मना भी लूंगा। भैया बस एक ही बात बुरी लग रही है, किसी भी भाषा का मजाक उड़ाना घटियापन है, और मैं वही कर रहा हूँ, और वो भी अपनी मातृभाषा का। अरे बरखुरदार, तुम भाषा का मजाक नहीं कर रहे हो, एक आदमी का मजाक कर रहे हो। भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक किया ही नहीं जा सकता। भैया मैं चलता हूँ, देर होगी तो वो लोग शक करेंगे। नमस्ते। फिल्म के गाने चुपके चुपके चलती पुरवैया आज भी कर्णप्रिय है, गाने आज भी आप गुनगुना सकते हैं। अब के सजन सावन में बहुत ही अच्छी तरह पिक्चराइज, किस तरह वो दोनों छुप के एक दूसरे को पूरी इस फिल्म की कहानी कहता है। एसटी बर्मन का म्यूजिक है, सदाबहार म्यूजिक एसटी बर्मन का। सारे गमा जो जुगलबंदी है, सारे गमा जो गाना है जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ की जुगलबंदी है, बहुत ही अच्छी है। ये सारी जानकारी हमारे पाठक योगेंद्र एस यादव जी ने हमसे शेयर की है, हमारा धन्यवाद उनको इस कार्यक्रम में जुड़ने और ये जानकारी शेयर करने के लिए। बिल्कुल, ये गाने इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, खासकर जो फिल्म का टाइटल ट्रैक है चुपके चुपके। कुछ रोचक बातें मैं फिल्म के बारे में अब आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्टार कास्ट थी, जो अमिताभ और जया भादुर ने जो किरदार निभाया था, पहले ऋषिकेश मुखर्जी इसके लिए कुछ नए लोगों को चाहते थे कि ये कुछ न्यू कमर, जैसे हम कहते हैं, कुछ नए लोग ये किरदार निभाए, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं पाया। इसलिए उन्होंने, जया भादुड़ी इस फिल्म की शूटिंग के वक्त प्रेग्नेंट थी, उनके जो सीन्स हैं अगर आप देखेंगे बड़ी ही सावधानी से लिए गए हैं, और फिल्म के आखिर में जब टाइटल चलता है तो स्पेशल थैंक्स या स्पेशल एक्नॉलेजमेंट जया भादुड़ी को दिया गया है जब आप टाइटल्स देखेंगे फिल्म के। तो दूसरी बात ये कि फिल्म इतनी मशहूर थी, फिल्म इतनी हिट थी कि 1980 में फिल्म के प्रदर्शन के 5 साल बाद जब सूर्य ग्रहण आया, सूर्य ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि उसे नहीं, सूर्य ग्रहण को लोगों को बाहर जाकर नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो रेस निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वो आंखों के लिए हानिकारक होती है। तो 1980 में ये फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई गई थी इसीलिए कि लोग घर में रहें। फिल्म इतनी सुपरहिट थी, आप सोचिए अगर आज मैं आपको बोलूँ कि अगर हमें लोगों को, आज तो आपके पास इतने माध्यम है फिल्में देखने के लिए, लेकिन कोई एक फिल्म बताइए अगर जो आज टीवी पर आ जाए तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो शायद हमारे पास ऐसी फिल्मों के नाम कम होंगे, गिने चुने ही नाम होंगे। लेकिन उस वक्त ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि सूर्य ग्रहण के दौरान उस दिन सरकार ने ये निश्चय किया कि वो इस फिल्म को नहीं, मतलब इस फिल्म को दिखाएंगे ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ये उस साल रिलीज दो फिल्मों के अलावा वो बहुत कम फिल्मों में साथ में आ पाए, क्योंकि मुझे लगता है 1975 के बाद एक स्टारडम आ गया था अमिताभ का, नसीब या एक दो कुछ और फिल्मों में कैमियो है, बहुत छोटा छोटा रोल है जिसमें कि अमिताभ या धर्मेंद्र एक ही फिल्म में एक साथ है, लेकिन जिस तरह की जुगलबंदी उनकी इस फिल्म में नज़र आती है या शोले में नज़र आती है, उसके बाद हम इन दो महानायकों को फिर से इतने अच्छे रोल में या इस तरह की बॉन्डिंग में, इस तरह की जुगलबंदी में इन दो फिल्मों के अलावा हम नहीं देख पाए। रंजना मजुमदार जी, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, खुशी है मुझे कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आ रही है। तो अच्छा होता जो भी कारण रहा हो, इसके पीछे कुछ कारण है कि हम अमिताभ, और ये इस बार का सवाल है आपके लिए कि शोले और चुपके चुपके के अलावा आपको पता करना है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और कौन सी फिल्मों में साथ में आए हैं। आप कैमियो फिल्म भी हो सकती है जिसमें बहुत छोटा सा रोल हो, लेकिन ये फिल्में बहुत कम थी, बहुत, इसके बाद कोई ऐसी फिल्म इतनी, ऋषि कपूर, इसके बाद अमिताभ बच्चन की जोड़ी दीवार के हिट होते ही अमिताभ और शशि कपूर, दीवार भी इसी साल आई थी, चुपके चुपके, शोले, उसके बाद दीवार, वो जोड़ी हिट होते से ही उसके बाद की फिल्मों में अमिताभ की जोड़ी शशि कपूर के साथ हिट हो गई और उनकी कई फिल्में उसके बाद आई। तो ये इस बार का सवाल है आपके लिए। और कुछ जानकारी जो आप इस फिल्म से जुड़ी हुई हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी है, आप ज़रूर हमें बताइए। इस कार्यक्रम में आप और किन फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। ऋषिकेश मुखर्जी की इतनी फिल्में हैं कि हम सबके, हम कोशिश करेंगे कि उनकी और एक दो फिल्में जो कि क्लासिक्स हैं उनके बारे में इस कार्यक्रम में और बात करें। आप अगर और कोई जानकारी हमसे शेयर करना चाहते हैं, सभी जुड़े हुए लोग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जानकारी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं,
आप साझा करना चाहते हैं। चुपके चुपके देखने के बाद आप 2 दिन तक बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। आप उस किरदार में आ जाएंगे, प्यारे मोहन वाले किरदार में। आप ज़रूर देखिए, फिल्म आपको गुदगुदाएगी। लॉकडाउन के इस टाइम में एक अच्छा मनोरंजन है। फिल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम नहीं है तो मुकेश बंदरवाले जी बता रहे। जी हाँ, नसीब, नसीब में कैमियो है धर्मेंद्र और अमिताभ जी। अमिताभ का बिल्कुल सही जवाब, धन्यवाद आपका। तो ये फिल्म देखिए, गुदगुदाइए, ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा को समझिए। ऋषिकेश मुखर्जी की और भी फिल्में देखिए। मुझे आज भी लगता है कि आज जो हमारी कॉमेडी बनती है उसे देख, मैं बहुत कम कॉमेडी देखती हूँ। मुझे पिछली जिस मूवी ने मुझे सच में गुदगुदाया, वो मुझे स्त्री याद है। स्त्री का जो क्लाइमैक्स है उसमें राजकुमार राव को देखकर मैं सच में हंसी थी, खुलकर हंसी थी। लेकिन उसके अलावा मुझे याद नहीं कि ऐसी इस तरह की कॉमेडी, बहुत ही सिंपल, ना कोई द्विअर्थी संवाद है, ना कारें उड़ रही हैं, बहुत ही सहज, सरल और सुकून से सरोबार सिनेमा, जो जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम के पोस्टर में आपको लिखा था, इतना सहज और सरल सिनेमा आपको उतना ही गुदगुदाता है, आप उतना ही जुड़ पाते हो। इस फिल्म की जो पूरी शूटिंग हुई है, जिस बंगलों में हुई है, वो NC Sippy, फिल्म के बहुत मशहूर प्रोड्यूसर है, सिप्पी प्रोडक्शन जो उनका वो था, उनके बंगलों में शूटिंग हुई है। और वो जो बंगलो है वो आज जलसा आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जलसा अमिताभ बच्चन जी का बंगलो है। वो बंगलो बाद में अमिताभ जी ने खरीद लिया था। तो ये इस फिल्म के जो मेन किरदार है, जहाँ पे जीजा जी का घर बताया गया है, और जो पूरी शूटिंग हुई है वो जलसा की शूटिंग है। आप शॉर्ट्स कंपेयर करके देख सकते हैं। ये इस फिल्म से जुड़ा एक और ट्रिविया था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो आप बिल्कुल ये फिल्म देखिए, ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा को देखिए, योगेश जी के गीतों को सुनिए। मैं कल से योगेश जी के गीत सुन रही हूँ और मैं बहुत ही उनसे जुड़ पाई, और पहले भी सुना था और फिर से सुन के मुझे लगा कि इस तरह के गीत आना चाहिए सिनेमा में, कुछ अलग तरह के गीत जो किरदारों की बात करते हैं, जो एहसासों की बात करते हैं। तो एक बार फिर श्रद्धांजलि गीतकार योगेश को माही संदेश सिनेमा संदेश की तरफ से। मुझसे जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माही संदेश पढ़ते रहिए। ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप और कौन सी फिल्में, आप अपनी पसंदीदा फिल्में, हम क्लासिक फिल्मों की बात कर रहे हैं, नई पुरानी, जो भी फिल्में आपको पसंद हो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप और कौन सी फिल्मों के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं, हम ज़रूर उन्हें लेकर आएंगे आपके लिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी आपसे माही संदेश सिनेमा संदेश में। धन्यवाद।